राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का रण, कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी में आज और कल का दिन अहम। आज से शुरू होगा कांग्रेस विधायकों की ट्रेनिंग का दौर। राज्यसभा चुनाव में मतदान को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन आज संबोधित करेंगे। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री रह चुके हैं अजय माकन, कांग्रेसी विधायकों को प्रशिक्षण देंगे राज्यसभा चुनाव में किस प्रकार से मतदान करना है ताकि कोई भी मत निरस्त नहीं हो। काफ़ी अहम होता है राज्यसभा चुनाव में मतदान करना और मतदान की प्रक्रिया को समझाना और समझना। कांग्रेस विधायकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन आज संबोधित करेंगे, जानकारी देंगे, प्रशिक्षण देंगे किस प्रकार से मतदान करना है, मतदान में किस प्रकार की सावधानियां बरतनी है, किसी प्रकार की कोई चूक नहीं करनी है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनेश कसाना फोनलाइन पर मौजूद हैं। जी दिनेश, क्या कुछ अपडेट है, किस प्रकार की तैयारियां चल रही है कांग्रेसी खेमे में? बिल्कुल, देखिए आशीष, प्रदेश में 3 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस ने 10 जून से बाड़ेबंदी शुरू की थी। आज और कल का दिन मूल रूप से महत्वपूर्ण है बाड़ेबंदी में, क्योंकि 19 जून को राज्यसभा के चुनाव होंगे, तो ऐसे में इन 2 दिनों में आज और कल तमाम जो विधायक है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरह से वोट कास्ट करना है, क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया राज्यसभा चुनाव में वोट की होती है। अधिकांश विधायक जो पहली बार जीत कर आते हैं उनके सामने ये बड़ी दिक्कत रहती है। कई बार ऐसे मामले भी हुए जब वोट रिजेक्ट हुए, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी पूरी सतर्कता बरत रही है। आज तमाम जो विधायक हैं उनको इस तरह आज और कल प्रशिक्षण दिया जाएगा किस तरह से वोट कास्ट करना है जी। दिल्ली से भी तमाम जो नेता हुए हैं, AICC से ऑब्जर्वर है रणदीप सुरजेवाला, टीएस सिंहदेवाला की छत्तीसगढ़ गए हुए हैं, पर आज देर रात तक उनके लौटने की संभावना है। तमाम जो नेता है यहाँ के स्थानीय हो या दिल्ली से आए हो, विधायकों को लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं। यहाँ पर भी जब से कांग्रेस की बाड़ेबंदी शुरू हुई है तब से अलग अलग सेशन विधायकों के लिए रखे गए हैं। आज का जो सेशन है वो नगरीय विकास पर है, और उसमें जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री नगरीय विकास मंत्री रहे हैं अजय माकन, उनका ये सेशन रखा गया है, और फिलहाल उसमें नगरीय विकास पर चर्चा हो रही है। अजय माकन तमाम विधायकों को इस पर अपना व्याख्यान दे रहे हैं कि नगरीय विकास के लिए किन किन बिंदुओं पर फोकस करना होता है, कैसे नगरीय विकास में कार्य होता है, उनके जिस तरह से पूर्व में जो केंद्रीय मंत्री भी रहे, तो इसको लेकर आज नगरीय विकास पर तमाम विधायकों को व्याख्यान दे रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो भी 10 जून से रिसोर्ट में ही कैंप किए हुए हैं, लगातार विधायकों से वन टू वन बातचीत का सिलसिला चल रहा है। कल भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर बैठकर विधायकों से चर्चा की, एक एक कर सभी विधायकों को बुलाया, आज भी विधायकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। तमाम बीजेपी की ओर से जिस तरह से फरोख्त के प्रयास किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप भी बीजेपी पर लगा रही है कि बीजेपी की ओर से उनके विधायकों को लालच दिया गया, किसी तरह से कोई विधायक लालच में ना आए, सब एकत्रित रहे, संगठित रहे, इस उद्देश्य से कांग्रेस की ओर से विधायकों को यहां पर लाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार विधायकों के साथ बातचीत कर रहे हैं, संपर्क में है, कल भी विधायकों से एक एक कर बातचीत की, आज भी उनका यही सिलसिला लगातार जारी है। जी, जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे थे, हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, तो क्या इस प्रकार की आशंकाएं जताई जा रही है आज भी कि अभी भी प्रयास किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए आशीष, जब ये आरोप जिस तरह के सबूत कांग्रेस पार्टी जुटा रही है, लगातार SOG में शिकायत की, ACB में शिकायत की, ये शिकायतें जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पहुंची कि विधायकों के पास बीजेपी की ओर से फोन किए जा रहे हैं, उनकी ओर से SOG में जो CPP विधानसभा चीफ व्हिप है वो सचेतक, उनकी ओर से SOG में शिकायत की गई, उसके बाद बाड़ेबंदी कांग्रेस ने की कि तमाम इस तरह के जो बीजेपी की प्रयास कर रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई, कर्नाटक में गिराई, तो ऐसे प्रयास राजस्थान में ना हो, विधायकों को एकजुट रखा जाए, इस उद्देश्य से यहाँ पर बाड़ेबंदी की गई थी। SOG में फिलहाल शिकायत कांग्रेस की ओर से की गई थी, उसकी जांच चल रही है, और तमाम जो विधायक है वो एकत्रित है यहाँ पर पूरी तरह से, किसी तरह का ये कोई डर नहीं है। किस प्रकार से मतदान के लिए इनको लेकर जाया जाएगा, इसके लिए इसको लेकर के भी कोई रणनीति बनाई गई है? बिल्कुल आशीष, देखिए कांग्रेस पार्टी इस रिजॉर्ट में बैठकर पूरी राज्यसभा चुनाव की पूरी रणनीति का केंद्र ये होटल JW मैरियट बना हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, प्रभारी राजस्थान के अविनाश पांडे हो, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट हो, या फिर दिल्ली से जो भी नेता यहाँ पर आए, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं राज्यसभा में, KC वेणुगोपाल और संगठन महासचिव भी हैं, तमाम जो नेता यहाँ पर आए, इसी रिजॉर्ट में बैठकर पूरी रणनीति बनाई गई है। और 19 जून को जब विधायकों को विधानसभा मतदान के लिए ले जाया जाएगा, तो बस में सवार होकर सभी विधायकों को एक साथ ले जाया जाएगा।
चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे जयपुर संवाददाता दिनेश कसाना, जिन्होंने अपडेट दी किस प्रकार से ट्रेनिंग का दौर शुरू हो चुका है। अजय माकन संबोधित करेंगे राज्यसभा चुनाव में किस प्रकार की सावधानियां बरतनी है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।